जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। सभी सुंदर साथ जय कार्य में सहयोग देके अपनी रचना को पवित्र कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, कबीर जी कहते हैं, सिंह जंगल का राजा है, परंतु उद्यम करे बिना हिरण उनके मुख में भी नहीं आता। शेर को भाग कर ही हिरण को पकड़ना होता है। उद्यम प्रयास ही जीवन में कुछ हमें प्राप्त दिलाकर आता है। आज की मंगलकारी प्रातः जिसमें हम सब सुंदर साथ उठे और श्री राज्य के लिए हमने मंदिर की तरफ अपने चरण बढ़ाए, आज की कमाई काम आएगी सिर्फ। वैसे तो रोज हम उठते ही हैं घर के काम करने के लिए, दफ्तर जाने के लिए। संसार की कमाई संसार में रह जाएगी और यहाँ के काम आती है, लेकिन धर्म की कमाई जो हमने आज सुबह उठकर सेवा पूजा करी, वाणी मंथन किया, चितवनी किया, यह हम आज मंदिर आए। सुंदर साथ जी, वास्तविक कमाई यही है, क्योंकि यही वास्तविकता में बातूनी मेहर है। हम परम धाम दर्शन जो समझ रहे हैं, इसे इल्मे लदूनी कहा गया है। मैं इसको आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मौलाना रूमी मौलवी थे, बहुत बड़े राज घराने के, और अपने जमाने के बहुत आलम फाजल थे। कुरान हदीस सब उनको कंठस्थ था। तो अपना शाही लिबास पहनकर अपनी मस्जिद में आए राज दरबार से, और पहले हस्तलिखित होता था सब कुछ, चाहे वाणी होती है या कुरान होती थी या हदीस, तो वो लिखने बैठ गए। मस्जिद में एक फकीर आते हैं, फटे हाल, और उनको लिखता देख के पूछते हैं, ए चिश्त, अरबी की भाषा में बोलते हैं, कि ये क्या है। तो मौलाना रूमी देखते हैं, कहते हैं, ये बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, इसे इतना भी नहीं पता। और कहते हैं, रूमी जी कहते हैं कि आ बित इलम तुम नबी नादानु, कि ये वो इल्म है जो तुम कभी नहीं जान पाओगे। सार्कास्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुम ये कभी नहीं जा पाओगे, ये वो इल्म है। फकीर अपनी बातिन नजर उनके पेट में डालते हैं, तो उनको देह क्रिया के लिए जाना पड़ जाता है। कहते हैं, तुम अभी रुको, मैं आता हूं, जरा ध्यान रखना, अभी लिखा है शाही गीली है, कोई इस पे हाथ ना रखे। फकीर वो हदीस उठाकर तालाब में डाल देते हैं। मौलाना रूमी वापस आते हैं और जोर जोर से अपना सर पीटने लगते हैं। कहते, ये क्या कर दिया, मुझे 6 महीने हो गए ये हदीस लिखते हुए, अब तो सब शाही मिट गई। तो फकीर कहता है, ये कागज पे तो गया है, तेरे दिल में नहीं गया, इसका कोई फायदा नहीं। कहते, क्या बात कर रहे हो, मैंने इतनी मेहनत से ये लिखा था। और रोने लगते हैं। फकीर कहता है, दिलासा देते हैं, कहते, रुक एक मिनट,
तालाब में से किताब निकालते हैं, किताब पर नजर डालते हैं, तो अक्षर दोबारा अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, हदीस पूरी भर जाती है, जो रह भी गई थी वो भी भर जाती है। अब मौलाना रूमी बड़े हैरान होते हैं। अब वो पूछते हैं, कहते ए चिश्त ये क्या है। अब बारी थी फकीर की। फकीर कहते हैं अब ये वो इलम है जो तू कभी नहीं जान पाएगा। इसे कहते हैं लदूनी। आप आलम फाजल हो सकते हैं कुरान के, वाणी के, लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं है तो सब बेकार है। अब रूमी कहते हैं अब तो मुझे यही इलम चाहिए, बाकी सब मेरे पास था, अब ये जो नहीं है मुझे यही चाहिए। शाह तबरेज फकीर का नाम था, और रूमी जी ने फिर अपने नफ्सों को साफ किया, खुदाई सच्चे इश्क में डूबे, इश्क हकीकी में, और फिर जाके आगे वो लिखते हैं कि अगर शाह फकीर ना मिले होते मुझे तो मुल्ला ही रह जाता, मैं कभी मौलाना ना बन पाता। मौलाना एक बड़ा खिताब होता है, जो खुदा में डूब जाते हैं उन्हें मौलाना कहते हैं। तो कहते मैं मुल्ला ही रह जाता, मौलाना ना बन पाता, अगर शाह तबरेज ना मिले होते मुझे। सुंदर साहद जी, हम सुंदर साहद तो बने, लेकिन वाणी में डूब कर धनी से प्रेम नहीं किया तो मुल्ला तो बनेंगे, मौलाना नहीं बनेंगे। इल्मे लदूनी है ये, इसमें डूबने के लिए धनी के प्रेम में डूबना होगा, दिन रात प्रेम की कमाई करनी होगी। यही फर्क था मुल्ला में और फकीर में, यही फर्क है हम में और रतनबाई जी की आत्म में या इंद्रावती जी की आत्म में। अब ये तो यहाँ के फकीर हुए। महाराष्ट्री का हम अगर प्रसंग देखें तो बंटवारे के बाद कितना सुंदर साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान जब आया तो सब ने आश्रय लिया आश्रम में, शेरपुर में, और एक परिवार के साथ तीन परिवार और जुड़ गए कि हमारे आश्रम चलो, आपको वहाँ पर स्थान मिलेगा। सारे पाँच गाँव, बनारसो माता जी बताते थे, पाँच गाँव सारा सुंदर साथ ही से भर गया। और महाराज जी ने कहा बनारसो माता जी को कि ये ढेर रखा है कंबल का और ये गद्दों का, ये बांटते जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। कहते मैंने कितनी खलक निपटा दी, और कहते ढेर वैसे का वैसा, और कहते कोई ट्रक आते नहीं दिख रहा, कोई सामान आते नहीं दिख रहा, और बटता दिख रहा है, सारी दुनिया पा रही है। ये रूहानियत की ताकत है। सुंदर साहब जी, मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूं, हम चाहें रोज या तो माया की कमाई कह के इस हद की भूमि के अंदर रह सकते हैं, इनके नियम और कानून के अंदर रह सकते हैं, या राज्य से सच्चा इश्क करके इससे ऊपर उठ सकते हैं, यहाँ के जो नियम हैं, कानून हैं, सबसे ऊपर उठ सकते हैं। इस माया से ऊपर उठ जाएंगे तो ये हमारे तले आ जाएगी, ये पांच तत्व तीन गुण सब हमारे अधीन है। फिर उसके बाद छोटे छोटे रोजगारों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए, छोटे छोटे दुखों के लिए दुखी नहीं होना पड़ेगा। परमहंस महाराज श्री मृतक को जीवित कर सकते हैं। एक बच्चे को जीवित किया ना उन्होंने, जब सदगुरु ने उनको गुस्सा भी किया, लेकिन इससे बड़ा चमत्कार यह था कि अपने बच्चों की मृत्यु पर रोए नहीं। वो चुटकी बजा के मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन खेल से ऊपर उठना, ये कला महाराज जी ने या सरकार साहब ने हमें सिखाई। इस माया को अपने अधीन लाना है तो इल्मे लदूनी में डूबना होगा, और इल्मे लदूनी की गहराई में जाने के लिए इश्क में डूबना होगा, प्रेम में डूबना होगा। केवल किताबी बातों से काम नहीं चलेगा, केवल शरीयत से नहीं काम चलेगा, सिर्फ वजूद नहीं देना, दिल भी देना है धनी को, और हम फिर इस खेल के ऊपर आ जाएंगे। आइए अब अपने दिल को, अपने मोहलात, अपने रंग महल, अपने वतन लेके चलते हैं, प्रयास करते हैं अष्टपहर हमारा हृदय अपने ही घर में रहे।
परमधाम को अगर वतन कहा है तो ये परदेश हो गया ना। अपना वतन अपना घर ही अपना होता है, और अपने खाविंद श्री धाम धनी के साथ हम यहाँ क्या सुख लेते हैं इसे समझते हैं। नृत्य की हवेली अभी हमने समझा कौन सी भूमि में आई है, चौथी। चौथी भूमि में 28 स्तंभ के चौक से 1, 2, 3 चौथी चौरस हवेली नृत्य की हवेली की रामत यहां पर होती है, नृत्य की लीला। और यहां पर एक आगे कीजिएगा, यहां पर हम आएंगे, यहां कब आते हैं हम, कृष्ण पक्ष में के शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, क्योंकि शुक्ल पक्ष में वनों में ही नृत्य की लीला होती है। ठीक है, तो जैसा कि अभी विजय भैया ने बताया, हम कृष्ण पक्ष में लौटेंगे कितने बजे, 6 बजे। ठीक है, 3 से 6 का जो अष्टपहर में है उसका सुख पता है आपको, 3 से 6 क्या है, 6 घड़ी रमे खेले। ठीक है, 1 घड़ी में झीलना किया और 1 घड़ी में सिंगार किया। ठीक है, इस तरह से 1 पहर में 8 घड़ियां होती हैं, 6 घड़ी रमे खेले, 1 घड़ी में झीलना, 1 में सिंगार किया, और 6 बजे हम यहां आ गए। 6 बजे आने के बाद सबसे पहले नीचे भोजन की रामत होगी, वहां पे हर एक चीज रामत है। पहले भोजन की रामत होगी कौन सी भूमि में, पहली भूमि में भोजन की लीला होगी, पहली भूमि में, और फिर हम चौथी भूमि में आ जाएंगे। सुखपाल हमें कहां उतारेंगे, चांदनी चौक में। भोजन की रामत के लिए गए ऊपर, चौथी भूमि में आए, नृत्य की रामत में जब हम आएंगे नृत्य की हवेली में, एक आगे कीजिएगा। अब नृत्य की हवेली की शोभा को समझते हैं। पूर्व दिशा में क्या मंदिर आए हैं, नहीं आए हैं। कौन से रंग के थंब आए हैं, नीलवी के। बाकी 3 दिशाओं में मंदिर आए हैं और थंब भी आए हैं। पश्चिम की दिशा में कौन सा रंग है, श्वेत, और उत्तर दिशा में पीला, और दक्षिण दिशा में लाल। सुंदर साहब जी, ये सुंदर शोभा रंग परवाली में, सॉरी रंग महल के अंदर चौथी भूमि के अंदर आई है। यहां पर पूर्व दिशा में राज श्यामा जी बैठते हैं और अर्ध घेरे में सखियां हम बैठती हैं। यहां पे अर्ध घेरे में वाद्य यंत्र वाली सखियां बैठती हैं, उनके आगे गायन वाली बैठती हैं, और उनके आगे आके नृत्य की सखियां जो नृत्य की कला से धनी को रिझाएंगी। ये प्रेम का सुख है। जैसे मंदिर में भी कीर्तन तो शायद सुंदर साथ गायन वाले करते हैं, लेकिन सभी गाने लगते हैं, सभी नृत्य करने लगते हैं। इसी तरह से नृत्य शुरू भले ही रंग नवरंग बाई जी का जुत करेगा, लेकिन उसमें सभी विभोर हो जाएंगे, सभी नृत्य करने लगेंगे, सभी गायन करने लगेंगे, और ये सुख हम वही लेंगे। जैसे मैं जब इस धर्म में नया आया और पहली बार मैंने कीर्तन का आनंद लिया होली में, और सुंदर साथ को झूमते देखा, मैंने कहा ये कौन सा रंग है, मैं तो कभी इस रंग को छू नहीं पाया। इस रंग में जो रंगे हुए हैं ना, अब इसी में सारा जीवन रंगना है। मैंने भजन में डूबे हुए सुंदर साथ को धनी के प्रेम में नाचते गाते देख के मेरे को, मेरी आत्मा को वो सुख महसूस हुआ जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। वही सुख जो हम कीर्तन में सब सुंदर साथ झूम झूम के लेते हैं ना, कोई ताली बजाता है उसमें मस्त है, कोई गाने में मस्त है, कोई नृत्य में मस्त होते हैं आंखें बंद करके, वो सुख है धनी का यहाँ पर परमधाम में। वो सुख हम रोज परमधाम में लेते हैं धनी के सन्मुख। और एक आगे कीजिएगा, एक और आगे कर दीजिए। देखिए, ये देखिए बैठने का इसमें तरीका बता रखा है यहाँ पे, किस तरह से सखियाँ बैठी हैं। एक अभी यहाँ पे एक चलचित्र आया था पद्मावत, उसमें एक गाना है, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, यूट्यूब पे आप देखिएगा, घूमर करके था, उसमें पूरा वो सुख दिखा रखा है। एक तरह से नकल अक्षर ब्रह्म के इस ब्रह्मांड में पूरी नकल दिखा रखी, सारी सखियाँ हैं, कोई पुरुष अलाउड नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो आपस में बात करते हैं कि कोई पुरुष नहीं आएगा इस बैठक में, एक राज्य महाराज ही होंगे, और कुछ सखियां वाद्य यंत्र बजा रही हैं, कुछ सखियां नृत्य कर रही हैं, कुछ बैठी हुई उसका आनंद ले रही हैं। एक बार उस संगीत को देखेंगे ना, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या सुख है वहां में और इसमें क्या फर्क है। प्रेम और इश्क में गर्क है, यहां पर सब नूरानी है, और वाद्य यंत्र जो है बड़े सुंदर हैं, कला
इसमें अपने आप बजने की कला है, लेकिन सखियां उनमें अपनी अपनी ताल देती हैं। नवरंग बाई जी नृत्य का सुख जो विजय भैया ने बताया, एक ही आभूषण या जिस कला से नृत्य करती हैं केवल नवरंग बाई। नाम हो जाको नवरंग, जिनका नाम ही नवरंग है, कितने नए नए रंगों से हमें और धनी को वो रिझाती हैं। केवल धनी ही नहीं, हम सखियां भी रिझती हैं उनसे। जैसे कोई सुंदर साहब बहुत अच्छा भजन बोले तो कितना अच्छा लगता है सबको, तो वो सुख केवल राज्जी को ही नहीं, हमको भी यहां पर बैठकर मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। चौथी भूम अच्छे से हो गई है, सबको समझ में आ गई है, पांचवी पे चले। चौथी में कोई प्रश्न तो नहीं है? चले चलिए, अब आइए पांचवी भूम में को समझते हैं अच्छे से। सुंदर साहब जी, सुंदर साहब जी, ये रंग माहौल का ब्लैक एंड व्हाइट आप ये समझिए ब्लू प्रिंट है। इसमें सबसे पहले ये क्या आया है? 6000 मंदिरों की पहली हार। फिर ये क्या आया है? 6000 मंदिरों की दूसरी हार। जैसे रतनपुरी जाएं या पन्ना जी जाएं, तिदुनी दरवाजे से पहले देखते हैं हम, चारों तरफ रूम्स आए हैं ना, घेर कर आए हैं बाहरी दीवार पर। इस तरह से 6000 मंदिरों की पहली और दूसरी हार है। ये वाला मंदिर, इस वाले गेट से अंदर गए तो रंग महल के अंदर, महल के अंदर आ गए, और इस गेट से बाहर आए तो महल के बाहर आ गए। ठीक है, यहां से बाहर आए तो वनों की शोभा बाहर की नजर आएगी रंग महल की, क्योंकि ये बाहरी दीवार पे मंदिर आए हैं। फिर ये दूसरे आ गए। अब एक इस बार इसे अच्छे से समझ लीजिए, सभी भूमों में नक्शा समान आएगा। इन 6000 मंदिरों की दो हारों के बाद सबसे पहले आती हैं चौरस हवेलियां। ठीक है, इसके चार फिरावे हैं, और फिर गोल हवेलियों के चार फिरावे हैं, कितने हो गए? 8। नौवां फिरावा पंच महलों का है। आइए एक बार कलर्ड में देखते हैं। चौरस के चार, गोल के चार, और फिर पांचवा फिरावा चौरस, ये पंच महलों का है। ठीक है, पांचवा फिरावा किसका है? पंच महलों का। अभी क्या आप थोड़ा सा पजल क्यों हो रहे हैं? इसमें ना फिरावे कम दिखाए गए हैं। फिरावा समझते हैं आप, 1 2 3 4, ये चार का बंच को एक फिरावा कहलते हैं। हाँ ठीक है, फिर ये 1 2 3 4, इस चार के बंच को एक फिरावा कहते हैं। तो ये दो ही फिरावे दिखाए हुए हैं, एक चौरस का और एक गोल का, क्योंकि डिजाइन जिस तरह से बन पाया हाथों से या उससे, इसमें लिमिटेशन है, इसलिए कम बनाए हुए हैं। ये दो फिरावे हैं, ऐसे चौरस गोल, फिर दोबारा चौरस आते हैं, फिर गोल आते हैं। ठीक है, तो ऐसे 8 फिरावे हैं चौरस और गोल के। ठीक है, उसके बाद 8वां फिरावा, ये चार के बंच का एक फिरावा काउंट होता है, तो ये चौथा फिरावा, 8वां फिरावा आता है पंच महलों का। एक आगे कीजिए, सॉरी क्षमा चाहता हूं, 9वां फिरावा, 9वां फिरावा पंच महलों का है। हाँ, अभी देखिए फिरावा पंच महल को समझिए, 5 मंदिरों के महल को कहा पंच महल, 1 2 3 4 और बीच में 5, 5 मंदिर के महल को क्या बोलेंगे? पंच महल। पीछे कीजिएगा एक बार, पंच महलों के बाद अब हम देखिए, मान लीजिए अगर यहां धाम दरवाजा था, 28 स्तंभ का चौक था, यहां से हम प्रवेश कर रहे हैं तो अब मिडल में जा रहे हैं। जैसे उस गेट का मिडल ये हो जाएगा ना, किसी भी, चाहे उस गेट से आए, चाहे उस गेट से आए, चाहे रसोई से आए, ये मिडल हो गया। ठीक है, तो हम रंग महल के मिडल में जा रहे हैं। ठीक है, पंच महलों के बाद ये बागीचे आ जाते हैं। ठीक है, इन बागीचों में ये चार स्तून जा रहे हैं, स्तून माने पानी के पाइप। परम धाम में पानी के पाइप को क्या बोलेंगे? स्तून, थमने स्तून। ठीक है, ये पानी के पाइप्स हैं, जो कि ये यहां की तरह नहीं है जैसे ब्लू कलर नीले कलर, ये गंदे गंदे पाइप्स होते हैं पानी के, ये पारदर्शी शीशे के पाइप्स हैं। उनमें नगों की नकाशकारी हो रही है, जिसमें नूरी जल ऊपर नीचे जाता हुआ दिखता है, बबल्स दिखते हैं। कई बार हम लोग किसी किसी के घर में डेकोरेटिव्स देखते हैं, आपने कैसा पाइप सा रखा होता है, उसमें बबल्स हमेशा चल रहे होते हैं और कलर्स भी बदल रहे होते हैं डेकोरेटिव्स में। कुछ कुछ नकल उसमें दिखाने की का प्रयास किया गया है परम धाम में। तो ये पानी के स्तून है, इनमें जो नूरी जल है सुंदर साहब जी, एक लालटेन की तरह पूरे परम धाम को चमका रहा होता है। अगर मान लो यहां पर वो स्तून है तो उसकी नूरी झाई पूरे भूम में पड़ रही होगी। तो ये देखिए जो स्तून है, ये दूर दूर तक इसकी झाई नूरी पड़ती है इन जलों की, जल की। ठीक है, और दूसरा सुख क्या है?
दसवीं आकाशी से इसके अंदर आप डाइव कीजिए, ये जो स्तून है कहां जाके खुलते हैं, दसवीं आकाशी में, चांदनी पर जाकर ये स्तून खुलते हैं, वहां से आप डाइव कीजिए, ट्रांसपेरेंट है, तो नीचे 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 तक आप तैर के आ सकते हैं, हर भूम की शोभा आप निहार सकते हैं और फिर वापस ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्तूनों की शोभा है, और वहां पर पानी में सांस आएगी नहीं आएगी, आएगी, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, पांच तत्व तो है ही नहीं, कि जल तत्व अलग है, वायु तत्व अलग है, वहां तो नूरी तन है, लीला मात्र के लिए जल है, नूर ने ही जल के रूप ले रखा है, नूर ने ही मोहलातों का रूप ले रखा है, हर चीज नूर ही है, तो वहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब इन चार स्तूनों के बाद, बागीचों के बाद बीच में आए हैं ये नौ चौक, एक आगे कीजिएगा, ये सारा निकाल दीजिए, ठीक, बस बस बस, ये नौ चौक आ गए। अब अक्सर सुंदर साथ इसमें भ्रमित हो जाते हैं, नौ चौक मतलब सोचते हैं कोई चौराहे होंगे, नौ चौक मतलब नौ महाहवेलियां, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये नौ महाहवेलियों को नौ चौक बोलते हैं, ठीक है, चौराहा नहीं है ये, महाहवेलियां हैं। और प्रत्येक हवेली में कितने मंदिर आए हैं, 12,000 प्रत्येक हवेली में, लेकिन शयन की लीला कौन सी वाली हवेली में होगी, मध्य वाली में, ये जो मध्य का चौक या मध्य की हवेली है इसमें शयन होगा। इसकी सारी योगबाई जो है वो लाल रंग की आई है सुंदर साहब जी, इसे और डिटेल में आप खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा, आप कभी इसे परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ें, किस तरह से पूरी लंबी दीवार आई है, किस तरह से यहाँ पर दरवाजे आए हैं, किस तरह से झरोखों खिड़कियों से ये सारी फुलवारियों की खुशबू अंदर जाती है, चारों तरफ से बुके इफेक्ट ऐसे क्रिएट होता है कि यहां से जहां से भी रात्रि के शयन लीला में जहां से भी वायु चलेगी खुशबू ही खुशबू पूरे मंदिरों में फैला देगी। एक प्रेम का इत्र तो महक ही रहा है रंग महल के अंदर, बाहरी इत्र भी इन इन क्यारियों से महकता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चारों तरफ से कहीं से भी आप प्रवेश कर सकते हैं इन महाहवेलियों में। और आइए एक आगे करिए, ये हर एक भूम में नौ हवेलियां हैं, हर एक भूम में है, लेकिन शयन केवल पांचवी में होता है, ठीक है। हर एक भूम में नौ हवेलियां हैं, ये ब्लूप्रिंट सेम रहेगा, 6,000 मंदिरों की दो हारे, चौरस गोल सब कुछ सेम रहेगा हर एक भूम में, हर भूम में रामत अलग अलग होगी, ये पांचवी भूम में ही रामत होगी। इन नौ महाहवेलियों में से मध्य की महाहवेली में ये देखिए, यहां है रंग पर वाली, रंग पर वाली पिया जी को मंदिर, ये रंग पर वाली मंदिर है, केवल श्यामा जी के कक्ष को मंदिर को ही रंग पर वाली का मंदिर कहा जाता है, बाकी सारा हम सखियों का जो मंदिर है ये भी लालिमा से ही युक्त है, लेकिन मंदिर जो है सिर्फ श्यामा जी का कहलाता है रंग पर वाली का, और ये सारे मंदिर हमारे हैं। चितवन में अपने अपने मंदिरों को पसंद करें, और सुबह जब ध्यान करते हैं और राज्य को उठाने जाना है तो इन्हीं कक्षों से निकलकर, मंदिरों से निकलकर बालाजी के पास आइए, और यहीं इसी तरह से रात्रि के समय शयन करा के अपने कक्षों में जाकर धनी के साथ चितवन में सुख ले, ठीक है सुंदर साहब जी। आइए अब आगे, आगे करना है पीछे करना है, जैसे ये एक बॉक्स जिसे आप कह रहे हैं ना, ये एक महाहवेली हो गई, और हर एक बॉक्स में, हर एक महाहवेली में 12,000 मंदिर हैं, हर एक में है, ठीक है। लेकिन जो हमारी शयन लीला होगी वो यहाँ बिल्कुल सेंटर में श्यामा जी का, और बाकी हम सब सखियों का, ठीक है। वो यही तो बात है जो आप विजय भैया ने नहीं बताया कि दो मंदिर हैं हम सब सखियों के, मुख्यतः पर्सनल रूम है, रूम्स बहुत हैं, लेकिन दो पर्सनल रूम्स हैं जो हम अपने हिसाब से उसका डेकोरेशन करते हैं या वहां पे रामत है, एक यहाँ शयन का और एक वो बाहर वो श्रृंगार का, ठीक है। यहां से इतना समझ में आ गया, यहाँ पे द्वार होगा, यहां से सीधे सीधे हम अंदर आएंगे, ठीक है, और यहां पर अपने कक्षों में चले गए अपने अपने, आगे चलिए पीछे कीजिएगा, हाँ बताइए, और पीछे आइए, और पीछे आ जाइए, एक पीछे, हाँ
इसमें ना तीन फिरावे हैं। देखिए ये तो क्या हो गया, हार हो गई, एक एक रिंग हो गया, दो रिंग हो गए, तीन चार, इन चार रिंग्स को एक फिरावा कहते हैं। ठीक है, एक रिंग हो गया, हाँ, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये आत्म से खुद ही को लेना होगा। माने देखिए ऐसा है ना, एक परिक्रमा ग्रंथ का की रचना करी महामति जी के हृदय में बैठकर, फिर उसके बाद भी धनी का हृदय नहीं भरा तो लालदास महाराज जी के अंदर बैठ के छोटी और बड़ी वृत्त की रचना हुई, फिर भी दिल नहीं भरा तो परमहंसों के हृदय में बैठ के ज्वारदास महाराज जी या युगलदास महाराज जी के अंदर मनमोहन रसानंद सागर और ग्रंथों का भी रचना हो गई, लेकिन परम धाम समा जाए किसी भी ग्रंथ में ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी भी हम केवल 10% भी, मैं ज्यादा कह रहा हूं शायद 1% हम परम धाम को जान पाए हैं, और उसी में इतने ग्रंथ तैयार हो गए। ठीक है ना, धनी ने देखिए जो मैं बात कह रहा था ना, इल्मे लदूनी चढ़या नहीं फुरमान, आधी से ज्यादा बात केवल मोमिनों के हृदय में लिखी जाएगी, उतरेगी, क्योंकि वाणी भी हर सुंदर साथ पढ़ सकता है, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, तो खासल खास बात सबके हाथ नहीं लगेगी, आपको थोड़ा बताया गया है, बाकी सब मोमिनों के हृदय में उतरेगी। जैसे बड़े मराश्री और परमहंस जो श्री जी के साथ 500 मोमिन चले हैं ना, उन सबके वाक्य लिखे हुए हैं पन्ना में, आज भी रखे हुए हैं, सबने अपने अनुभवों को जो जो गहराई में और गए हैं वो आज भी संकलन किया हुआ है वहां पर। ठीक है, तो ये आपको अपने आप जानना होगा। हाँ, ये आपकी सूरता की बात है कि एक में जा रहे हैं, आपको इतना बताया, बाकी में भी कभी जाइए, राज जी से पूछिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बस, नहीं नहीं पीछे रखिए। अब सुंदर साहब जी, हम अपनी सूरता द्वारा रात्रि से शुरू करते हैं, रात्रि में जब हम जाएंगे सीधा 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 इन रास्तों से होकर यहाँ पर राज्य के उस पर आ गए। पहले एक बार शोभा समझ लेते हैं सारा, सभी हमारे मंदिरों में से एक मंदिर की शोभा को समझते हैं। आगे चलिए सुंदर साहब जी, ये हमारा कक्ष आ गया। प्रत्येक कक्ष में जो वाणी में वर्णन है वो है, एक तो सिज्जा का वर्णन है, तो अगर हिंडोले खट छप्पर के हैं तो सिज्जाएं में भी छप्पर आया है, छत आई है, इसीलिए देखिए रूफ भी बनाई गई है। ठीक है, जिस तरह से आजकल रॉयल बेड्स होते हैं ना, तो ये छप्पर का वर्णन आया है, इसलिए ये सिज्जा है। सिंहासन कुर्सियों का वर्णन आया है, ये हिंडोलों का वर्णन आया है। ठीक है, और संदूक या अलमारियां कवर्ड्स का वर्णन आया है। ये कोई सुंदर साथ पूछ रहा था, ये खींचो छीकों का वर्णन भी आया हुआ है। जैसे पहले समय में छीके लटके होते थे ना, अब पुरानी भाषा है तो पुराने शब्द यूज किए, संदूक वर्णन किया हुआ है, लेकिन आज हम जानते हैं। एक सुंदर साथ है, उनके मैं घर गया तो कवर्ड्स भी खोलो तो लाइटें जलती थी, अपने आप हर कवर्ड के अंदर लाइट है, आप खोलो तो लाइटें जल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ ऐसा हिसाब है, बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्वैप करो तो लाइटें जल रही हैं, स्वैप करो तो बंद हो रहा है, बटनों में भी टच स्क्रीन आ गया आज के समय में। तो परम धाम में क्या आज भी छीके होंगे, आज भी संदूक होंगे जो खोलेंगे जैसे पुरानी दादी माँ ट्रंक खोलती थी? वहां तो और आगे की बात है सुंदर साहब जी, हद की बुद्धि में जिस युग में वाणी उतरी वहां की भाषा इस्तेमाल कर ली गई। ठीक है ना, जैसे आज भी वाणी में है तो हिंदी, लेकिन आज से 400 साल पुरानी हिंदी है, तो इसलिए हमें पढ़ने में समझ नहीं आती और इसलिए टीका किया गया आजकल की खड़ी बोली में। तो ये परम धाम के हिसाब से जो वाणी में वर्णन है, हम थोड़ा सा उसका बनाया गया है। हाँ, आभूषण है तो ऐसा नहीं है कि संदूक खोलकर एक कपड़ा रखा फिर दूसरा फेंका तो तीसरा समझ में आया पहनना है, वो नहीं है। खिन खिन में श्रृंगार बदलता है, खिन खिन में। तो यहाँ पर, यहाँ तो केवल आप मान लो आईने ही लगे हैं जिसके आगे खड़े होकर सखी अपने आप को श्रृंगार बदल बदल कर देखेगी और कहेगी ये वाला मुझे आज अच्छा लग रहा है और रिझाने के लिए चल देंगी सखियाँ। बाकी फिर भी इस रामत के लिए, लीलाओं के लिए सखी आएंगी तो इन कबर्ड्स में से कुछ निकाल के एक दूसरे को श्रृंगार करना चाहें तो कर सकती हैं। बाकी झूले आए हैं, हिंडोले आए हैं, यहाँ पर सिंहासन कुर्सियाँ आई हैं, सेज्जे आई हैं। 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक ये स्थान हमारा है, ये जगह हमारी है, ये समय हमारा है। और ये समय किसका है? सिर्फ हमारा और धनी का, और प्रेम में इश्क में गर्क होने का।
अब इन सुख से ज्याओं का सुख, जैसा कि विजय भैया ने बोला, नरकीय बुद्धि से नहीं सुनना, नरकीय बुद्धि से नहीं सोचना, निर्विकार है। जैसे ही जीव और आत्मा इस शरीर में से निकलती है, वो विकारों से रहित हो जाती है, ठीक है। तो वहां का जो नूरी स्वरूप है, जो नूरी रामते हैं, उसको धामधनी की मेहर से हृदय में लीजिए। जाहिरी मेहर बहुत ले ली, उससे कुछ नहीं बन रहा हमारा। अब बातूनी मेहर पे आइए। बातूनी मेहर में जाहिरी साथ में ही है, लेकिन थोड़ा बहुत। जैसे महाराज जी ने आडिगा लीला करके कंबल और चादर सबको बांटे, लेकिन क्या कहा बनारसो माता जी को, दो को एक गद्दा देना और तीन को दो। थोड़ा हाथ खींच के चलने में सुख रहता है। फैला दिया तो चाहे तो कितने ही कंबल बना सकते थे, तो सबको दो दो भी दे सकते थे, लेकिन उसमें खराब हो जाएगा। और महाराज श्री खुद, मेरे को बनारसो माता जी कहते, किसी एक सुंदर साध ने शिकायत की, महाराज जी हमारा तकिया किसी ने चुरा लिया रात को। तो महाराज जी कह रहे मेरी कुटिया में आओ, लो मेरा तकिया ले लो, ये कोई नहीं चुराता। और वहां क्या देखते हैं, ईंट पे सर रख के सोते थे महाराज जी, कहते ये कोई नहीं चुराता, ये ले जाओ। तो परमहंस वो हैं जो हमें भी लोहे का चना बना रहे हैं कि इससे भी परे उठ जाओ, कि जहां मर्जी सर रख के सो दिया। तो खींच कर चलना है थोड़ा सा। जाहिरी मेहर को कम करें, बातूनी मेहर पे हम जोर दें। जो हम चाहेंगे धनी हमें वो देंगे। और ये सुख मांगो धनी, अब दिन रात इसमें बिरहा में रहो कि ये सुख क्या है जो हमें अब तक अछूते रहे हैं। ठीक है सुंदर साहब जी, तो ये हो गया हमारा कक्ष। आइए अब श्यामा महारानी और के कक्ष की ओर चलते हैं। ये निकाल दीजिए सारा। यहां पर हमारे कक्षों में कौन सा आता है, हमारे हृदय का स्वरूप धनी बाहर आते हैं। यहां पर श्यामा महारानी जी का स्वरूप है, ठीक है। आइए अब इसे समझते हैं। ये पूर्ण मध्य में आया है, एक चौक के मध्य में आया है रंगपरवाली का मंदिर, बड़ी सुंदर शोभा है। एक और आगे कीजिएगा, थोड़ा जूम लीजिए। इसके चारों तरफ, केवल इसी मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा आई है। क्यों? क्योंकि जब सखियां सुबह उठाने आएंगी तो अंदर तो केवल 20 सखियां जा सकती है ना, बाकी सखियां यहां प्रदक्षिणा देंगी। और ये शीशे के बड़े बड़े द्वार आए हैं जहां से रामत देख सकती हैं जो सखियां सुख ले रही हैं। जैसे मंदिर में कोई सुंदर सा राज्जी को श्रृंगार करा रहा हो, हम आके बैठ भी जाते हैं तो अच्छा लग रहा होता है ना, कि किस प्रेम से राज्जी को श्रृंगार करा रहा है सुंदर साथ, कैसे लाड कर रहा है। कभी करने का सुख है तो कभी देखने का सुख है। तो उसी हिसाब से रामत बदलती जाएगी, कभी हम अंदर होंगे तो कभी प्रदक्षिणा दे रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है सुंदर साहब जी, ये रंग परवाली जी का जो मंदिर है, इसमें चार दिशाओं में चार शीशे के दरवाजे हैं। पूरी शोभा लाल आई है, रंग परवाल मतलब सिंदूर का रंग, पूरी शोभा लाल आई है। बेस कलर रेड है, बाकी और नगों के नकाशकारी हुई है। बड़े बड़े नग लगे हैं, छोटे छोटे नग लगे हुए हैं, ऐसा लगता है पूरा तारा मंडल वहां पर सज गया है रंग परवाली मंदिर में। और उसके मध्य में, रंग परवाली के मध्य में सज्जा आई है, ठीक है। इसे रंग परवाली का मंदिर या लाल रंग से ही इसलिए सुसज्जित किया गया है क्योंकि जो दूसरा सागर है परम धाम में, वो कौन सा है, रूहों की शोभा का, लाल रंग का, ठीक है। परम धाम में रूहों की शोभा क्या है, कि हम उठते हैं राज्य के लिए, पौड़ते हैं राज्य के लिए, नृत्य करते हैं राज्य के लिए, गायन करते हैं राज्य के लिए, भोजन बनाते हैं राज्य के लिए, भोजन करते हैं राज्य के साथ। यहाँ हम अपनी शोभा खोए बैठे हैं ना, हम यहाँ सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं या माया के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम सखियाँ अपने श्रृंगार के सौंदर्य की परिकाष्ठा पे होते हैं। यहाँ पर इश्क सागर और रूहों की शोभा का सागर का सुख हम लेते हैं अपनी पूर्ण सुंदरता में है। सरकार साहब इसे बताते थे कि वो पत्नी की सुंदरता किस काम की, अगर पति घर से थका हुआ आया है घर पे काम से और वो अपने श्रृंगारों में व्यस्त है या अपनी सखी सहेलियों से फोन में बात में व्यस्त है। वो कहते थे आपका रंग रूप कैसा भी हो, चाहे वस्त्र भी सिंपल पहने हो, लेकिन अगर तैयार है, पति के आते ही उसका टिफिन रखा, उसको पानी पूछा, प्रेम से दो बातें करी, तो वो सुंदरता है। यहाँ की भाषा मसाला ईद का लेत करके समझाते थे ना सरकार साहब। अब वहां पे हमारी शोभा श्रृंगार यही है कि हमारे हृदय में अटेंशन है, प्रेम है राज्य के लिए। अब वही हृदय में वापस लेकर इस रंग परवाली की सज्जा को समझते हैं। एक आगे कीजिएगा, रात्रि से प्रारंभ करते हैं। शुक्ल पक्ष होगा तो सुखपाल सीधा पांचवी भूमि की बेल्कनी में लगेंगे, छज्जों में लग जाएंगे, और कृष्ण पक्ष होगा तो पहली भूमि में से चौथी में आएंगे और फिर एक जीना चढ़कर ऊपर पांचवी भूमि में आएंगे। शयन के लिए आए
राज श्यामा जी को हमने यहाँ पढ़ाया, कितनी सखियां अंदर आएंगी? 20, जिसमें से कितने वाद्य यंत्र पर बैठेंगी? 12, 12 सखियां मधुर वाद्य यंत्र बजाएंगी। सुंदर साहब जी, आजकल तो ऐसा है कि चुटकी बजाओ और कमरों में आजकल म्यूजिक शुरू हो जाता है, तो परम धाम की का ज्ञान तो उससे आगे का है, लेकिन सखियों को सेवा भाव है, अपने हृदय से जो उनके धुन बजाने का दिल है, धनी को रिझाने का दिल है, वो यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाएंगी। 4 सखियां राज जी को, 4 सखियां श्यामा जी को। सुंदर साहब जी, जो सुख राज जी की सेवा में मिलता है, वही सुख हमें श्यामा जी की सेवा में मिलता है। जैसे जितना सुख हमें राज जी की सेवा में यहाँ पे मिलता है, क्या राज जी को भोग लगाते हुए जो सुख मिलता है, क्या सुंदर साहब जब अभी बाहर रसोई परोसता उनको वो सुख नहीं मिलता होगा? सुंदर साहब को भी सेवा करने में उतना ही सुख हमें मिलता है। तो चाहे राज जी चाहे श्यामा जी, हमें बराबर ही सुख मिलता है, और जितना प्रेम हमें राज जी करते हैं, उतना ही श्यामा जी हमें प्रेम करते हैं परम धाम में। तो हम दोनों को लाड करते हैं यहाँ पर। अब राज जी महाराज कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि उनको बेड में टक इन करने की जरूरत है, लेकिन राज जी महाराज परम धाम में इतना प्रेम हमसे करते हैं कि आशिक का रोल हमें देख के खुद माशूक बन के बैठे हैं, छोटे बच्चे की तरह बैठते हैं, मुझे निल्हा दे, मेरी कंगी काट दे, मुझे सिंगार करा दे, मुझे पढ़ा दे, क्योंकि उसमें सुख मिलता है हमें। और वही रिपीट यहाँ पर विपरीत कर दिए रामत, यहाँ हमें माशूक बन के खुद आशिक बन गए। इसीलिए सदगुरु रूप में चाहे श्री जी साहब हुए, चाहे बड़े महाराज श्री हुए, चाहे सरकार श्री हुए, दर दर घूम घूम के दरवाजा खटखटा खटखटा के हमें जगा रहे हैं। इस बार आशिक खुद राज्य बने, परम धाम में माशूक हैं, इसलिए हम सखियों को लाड करने का सुख देते हैं और हम सखियाँ राज्य को पढ़ाती हैं। पढ़ाने के बाद अपने कक्षों में गए, फिर प्रातः होते ही सुबह आएंगी यहाँ वाला जी और श्यामा जी को उठाएंगी। मुझे समय से ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, थोड़ा सा हम इसको अगली बार कवर कर लेंगे, अभी इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।